जब सरकार 272 सीट्स में भी बनती है तो मोदी को 400 पार क्यों चाहिए? अब की बार 400 पार सीट लेकर ऐसा क्या करना चाहता है मोदी जो 300 पार सीट लेकर भी नहीं कर पाया? भागवत ने आज आरक्षण नीति पर सवाल उठाते हुए इसकी समीक्षा की जरूरत बता दी। क्या देश में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण अब खत्म हो जाएगा? इस देश के 85% लोगों को जो अधिकार मिला है, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को जो अधिकार मिला है, आरक्षण का अधिकार, वो आप उनसे छीनना चाहते हैं? जब तक देश में बाबा साहब का संविधान है तब तक आरक्षण खत्म कैसे हो सकता है? यही सवाल है ना आपके मन में, तो इसका जवाब भी सुन लीजिए। नियम बदलने होंगे, संविधान में संशोधन करना होगा और बहुत सारे काम होंगे। सरकार को 272 तो दिया जाता है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं करती, उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक की या नया संविधान बनाना। की बार 400 पार, ये बारी नागपुर के नागपुर नमगे लोकसभा बहुमत है, 2/3 मेजारिटी, राज्यसभा नमेंगे 2/3 मेजारिटी, अल्प बहुमत है, राज्य सरकार नमेंगे बेकार बहुमत है। देश के हित में कई कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, उनके लिए हमें संवैधानिक बदलाव करने पड़ते हैं। अगर संविधान के अंदर हमें कोई बदलाव करना होता है तो आप में से कई लोग जानते हैं कि उसके लिए दोनों जो हमारे सदन, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों की उसके अंदर अमल चाहिए। लोकसभा में आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रचंड बहुमत है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन राज्यसभा में आज भी हमारी मेजोरिटी। अगर इस बार तीसरी बार एनडीए की सरकार आती है, समझे आप 400 पार क्यों चाहिए मोदी को? जैसे ही मोदी को ये 2/3 बहुमत मिला, मोदी बाबा साहब के संविधान को हटाएगा और आरएसएस का संविधान लाएगा और दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के आरक्षण को खत्म कर देगा, फिर एक एक करके आपके सारे अधिकार अपनी मुट्ठी में कर लेगा। उस वक्त आप आवाज भी नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि बोलने की आजादी जो बाबा साहब ने अपने संविधान में आपको दी है, वो आजादी भी मोदी छीन लेगा और आपके मुंह से आह भी नहीं निकलेगी। तब आप सोचेंगे मोदी को सत्ता से बाहर करने के बारे में, लेकिन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वोट का अधिकार भी आपको नहीं मिलेगा मोदी के संविधान में, और अगर चुनाव होंगे तो भी आप नहीं हटा पाएंगे मोदी को, क्योंकि चुनाव रूस में पुतिन भी करवाता है और नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन भी करवाता है। मौका सिर्फ आज है, वक्त सिर्फ आज है, और वोट का हथियार भी सिर्फ आज ही है। तो उठिए और वोट का हथियार उठाइए। तानाशाह को संविधान बदलने से पहले ही सत्ता से बाहर करना होगा, भाजपा को हटाना है, संविधान को बचाना है।